सलमान खान दिल दे बैठे हैं सनी लियोनी को, आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीकेंड के वार में हम सभी जानते हैं कि आई थी गेस्ट के तौर पे सनी लियोनी, और सनी लियोनी जब पधारती है तो भाई कोई भी उनसे प्यार करना शुरू ही कर देता है। अब मैं आपको बता दूं कि सनी लियोनी जो है वो आई थी बिग बॉस पर वीकेंड के वार में, और तब सलमान खान से बात करते हुए उन्होंने पूछा सलमान खान से कि आखिरकार आपको किस प्रकार की बीमारी है। तो वही सलमान खान ने भी बहुत ही मौके पर चौका मार दिया है और कहते हैं सनी लियोनी से कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे लवेरिया बीमारी हो गई है और मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूँ। वहीं पर सनी लियोनी जो है वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है कि मेरा दिल भी अब सलमान सलमान पुकार रहा है। तो इस प्रकार से एक फ्रेंडली बैंटर जिसे कहते हैं वो दिखा हमें सनी लियोनी और सलमान खान के बीच, और सलमान खान दिल दे बैठे हैं सनी लियोनी को। और अब ये देखना है कि क्या इन दोनों का कोई भी कोलैबोरेशन हमें देखने मिलेगा, फिर वो म्यूज़िक वीडियो हो, फिल्म हो, कोई गाना हो। वी आर वेटिंग, बट इतना तो ज़रूर है कि सलमान खान ने अगर दिल दिया है सनी लियोनी को तो भाई कुछ तो खास है। आपको क्या कहना है इस बारे में और बिग बॉस में होती हुई इस मस्ती के बारे में बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान ने की है राखी सावंत की प्रशंसा, कहा है कि वो बाकी सदस्यों से बहुत ज्यादा कूल है। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से राखी के ऊपर एक तरीके का गैंग अप हो रहा था, और खास करके एली गोनी, जैस्मिन हुसैन, इन सभी के तरफ से। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में वीकेंड के वार में सलमान खान ने लगाई है फटकार जैस्मिन भसीन और एजाज खान को। सलमान खान ने जैस्मिन भसीन से ये पूछा कि आखिरकार बिग बॉस की ऐसी कौन सी बात है जो उनको नाराज कर गई। तो वहां जैस्मिन भसीन ये कहती है कि जो उन्होंने टोपी पहनाई थी, यानी जो डक फेस है उन्होंने जो राखी सावंत को पहनाया था जिसके वजह से राखी के नाक को चोट आई थी, वो कहती है कि उस डक फेस से या उस टोपी से नाक को चोट नहीं आ सकती है। तो वहीं पर ही हमारे जो एजाज खान है वो कहते हैं, जब सलमान खान उनसे पूछते कि एजाज आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने जैस्मिन से ये कहा अरे उनकी नाक पे लग जाएगा, उनकी नाक को संभाल लो। तो सलमान खान कहते हैं एजाज खान से कि आपने तब क्यों ये स्टैंड नहीं लिया, आपने क्यों, व्हाई डिडंट यू टेक अ स्टैंड फॉर राखी सावंत। और इसी बात से सलमान खान जो है वो अपसेट हो गए, लगाई फटकार जैस्मिन भसीन और एजाज खान को, क्योंकि वो दोनों भी गलत कर रहे थे राखी सावंत के साथ। और उन्होंने यही कहा है सभी सदस्यों से कि आप सभी को ये लगता है कि राखी बड़ी अनकूल है, पर मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी से ज़्यादा कूल राखी ही है। तो राखी इज कूलर देन ऑल ऑफ यू, ये बात कही है सलमान खान ने राखी सावंत को प्रेज करते हुए। आपको क्या कहना है बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान से गुजारिश की है सारे एग्जिबिटर सेक्टर ने, आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये जो फिल्म है, इस फिल्म को लेकर के सभी जो एग्जिबिटर्स है, यानी जो लोग सिनेमाज जो है वो थिएटर में लगाते हैं, थिएटर छोटे छोटे थिएटर्स के जो ओनर्स हैं उन सभी ने जो एग्जिबिट करते हैं सिनेमा, उन्होंने ये लेटर लिखा है सलमान खान को और गुजारिश की है भाईजान से कि उनकी जो फिल्म है राधे और मोस्ट वांटेड भाई वो 2021 में ईद के दिन पर सभी थिएटर्स में रिलीज़ हो जाए, ताकि थिएटर्स जो है उन्होंने जितना भी लॉस फेस किया है इन पिछले 10 महीनों में, वो सारा का सारा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, या फिर शायद से सलमान खान की फिल्म है तो पूरा का पूरा लॉस भर कर निकल जाए। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी जो एग्जिबिटर्स हैं उनकी ये मांग है सलमान खान से कि सिर्फ ये एक फिल्म जो है, अगर इसको पूरे सारे थिएटर्स में अगर दिखाने की परमिशन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और सभी के
सभी सलमान खान फैंस को वो तहे दिल से यू नो वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं सिनेमा हॉल्स में। और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है उनके लेटर में कि अब तक कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं मिला है कोविड 19 का कि वो थिएटर्स से निकल कर आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी के पूरे रिस्ट्रिक्शन जो है, जो भी गाइडलाइंस है, उनको मान कर ही हम आपके जो फैंस हैं उन सभी को इन सिनेमा घरों में वेलकम बैक करना चाहते हैं। अब तक सलमान खान के तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया है, पर मैं आपको ये बता दूं कि राधे ऑन ईद 2021 ये जो हैशटैग है वो अब वायरल होते जा रहा है, ट्रेंड होते जा रहा है। अब इतना ही सुनना है कि क्या राधे योर मोस्ट वांटेड भाई बड़े पर्दे पर हमें देखने मिलेगी या नहीं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान प्रोड्यूस्ड फिल्म कागज़ जो है उसके बहुत से जो शोज़ है वो यूपी के सिलेक्टेड थिएटर्स में दिखाए जा रहे हैं। तो अब सभी एग्जिबिटर्स की सिर्फ इतनी सी छोटी सी प्यारी सी मांग है सलमान खान से। तो क्या आपको लगता है क्या वाकई सलमान खान भाईजान ईदी के रूप में राधे और मोस्ट वांटेड भाई परे पर्दे पर दिखाएंगे? क्या कुछ है आपकी राय जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने भेजा है एक स्पेशल इनवाइट सनी लियोनी को इस बार वीकेंड के वार में आने के लिए। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सनी लियोनी, शरद मल्होत्रा, सुरभि चन्ना और मोनालिजा ये जो चारों के चारों सितारे हैं वो आने वाले हैं इस बार वीकेंड के वार में। और इस बार का वीकेंड का वार इसलिए खास है क्योंकि 2021 का पहला वीकेंड का वार है दोस्तों। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान ने स्पेशल इनविटेशन भेजा है इन चारों सितारों को वीकेंड के वार में शामिल होने के लिए। तो अब ये देखना है कि ये चारों गेस्ट जो है वो किस प्रकार से नाक में दम करते हैं सदस्यों के और कैसे एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ाते हैं इस बार के वीकेंड के वार में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस बार वीकेंड का वार होने वाला है और भी ज्यादा खास, क्योंकि एक नया टास्क जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। और उसी के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि इस बार सलमान खान लगाने वाले हैं सदस्यों की अच्छी खासी क्लास। तो अब ये जो नए गेस्ट आने वाले हैं उनके साथ का इंटरेक्शन कैसे होने वाला है सदस्यों का, ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी क्या राय है? आई एम वेटिंग टू हियर यू इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने दी है सभी को एक खुशखबरी नए साल के मौके पर। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशोल का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि शाहरुख खान जो है उन्होंने एक बड़ी सी खुशखबरी दी है सभी फैंस को, सभी चाहने वालों को। और वो खुशखबरी ये है कि उन्होंने एक बड़ा सा मैसेज शूट किया है और वो अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। और वहाँ पर लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है सी यू ऑन द बिग स्क्रीन इन द ईयर 2021। जी दोस्तों, यानी हम सभी बॉलीवुड के बादशाह को वापसी करते हुए देखने वाले हैं बड़े पर्दे पर 2021 इस साल में। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि शाहरुख खान की फिल्म्स जो है, यानी पठान जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, उसके बारे में बहुत ही चर्चे चल रहे थे। और ये भी सामने आया था कि न्यू ईयर के मौके पर पठान का जो फर्स्ट लुक है वो बड़े ही ग्रैंड तरीके से आउट होने वाला है, अनवील होने वाला है। पर अब ये तो पता नहीं, पर ये तो भाई शाहरुख खान ने अब सभी के दिमाग में डाल दिया है कि 2021 में उनकी कोई ना कोई फिल्म तो आने वाली है, शायद वो पठान ही है वो फिल्म। पर उसी के साथ साथ वो लाल सिंह छड्डा में भी देखने मिलेंगे हमें कैमियो रोल के तौर पर। अब आप कितने एक्साइटेड है किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हुशुल कचवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।